नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। मामूली विवाद में हुई गोलीबारी में एक की हालत गंभीर, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। ठनका की चपेट में आने से मासूम की हुई मौत, आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे बच्चे। शरारती तत्वों ने जेल रोड में मचाया उपद्रव, पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। और भागलपुर में खुला चेंडी का धार का पहला मेडिकल स्टोर, मरीजों को मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए न्यायालय भी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में एडीजे 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शराब मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं पूरे मामले को लेकर स्पेशल एक्साइज कोर्ट के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पिछले साल 19 दिसंबर को हुए शराब तस्करी मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। विशेष पीपी ने कहा कि आरोपी भीपुर निवासी रोहित कुमार को एक्साइज एक्ट 30A के तहत 5 साल कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनाई, जबकि आदेश में जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा देने की बात कही गई है। ये तिलकामांझी कोतवाली 862/21 GR 1521 में अभियुक्त रोहित कुमार को दीवा गश्ती में 19/12/2021 को पुलिस ने दीवा गश्ती में था और 20/12/21 को सुबह 3:55 बजे मनाली और पीर बाबा के बीच में वहां पर 3 आदमी संदिग्ध अवस्था में था, जिसमें 2 आदमी पुलिस को देख के भाग गई, एक आदमी पकड़ाया जिसका नाम रोहित कुमार था और उसके पास से 98 लीटर से ऊपर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। इसमें 30A में इनको सजा सुनाई गई और उस 30A में करीब 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों का अतिरिक्त सजा। शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब माफिया अवैध रूप से शराब तस्करी में जुटा है, जबकि राज्य सरकार इसको लेकर कई तरह से अभियान चला रहे हैं। वहीं झारखंड से मधेपुरा ले जाए जा रहे शराब की खेप को बीती रात भागलपुर पुलिस ने धर दबोचा। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 0 माइल थाना पुलिस को देर रात शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी करते हुए 0 माइल पुलिस ने कार से भारी मात्रा विदेशी शराब बरामद किया, जबकि मौके से 2 शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान चौसा थाना क्षेत्र निवासी श्रीकांत यादव के पुत्र सौरभ कुमार यादव और मुरलीगंज थाना क्षेत्र निवासी भानु यादव के पुत्र सौरभ कुमार के रूप में हुई है। मधेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरा घाट बाट नंबर 4 में मामूली विवाद में हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बीती शाम सदर प्रखंड के साहूगढ़ निवासी पीयूष से बेरा घाट के विजल मुखिया की मामूली नोकझोंक हुई थी और उस वक्त पीयूष ने विजल मुखिया को देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चला गया था। वहीं रात के 9 बजे के करीब पीयूष फिर उसके घर पर आया और विजल मुखिया को गोली मार दी, जिसमें एक विजल के कंठ में लग गई। वहीं गोली की आवाज सुनते ही जैसे ही घर वाले वहां पहुंचे, तब तक पीयूष अपनी बाइक से फरार हो गया था। अगर गंभीर रूप से घायल विजल मुखिया को स्थानीय लोगों ने मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं कंठ में फंसी गोली निकालने के बाद उन्हें DMCH रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर सदर थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जो ना पहले राम भीड़ लागल है ना, पढ़ के लग जाए निकले कोचिंग से,
पप्पा कहलिए कथी लगते भीड़ लगबै छह, तऽ हम कहलिए कथी लगते नौटंकी करै छह, पप्पा कहलिए कथी लगते नौटंकी करै छह तू अते भीड़ मे, अतः चल अतनी तऽ बात कहलिए पप्पा के। ओ कहलकै कि से हमरा एके थाप नशे लगा दे, अतनी उमर भाइजी अयलै, कहलकै कि यौ किए तू एना बोलै छह, अतनी गो बात भेलै आओर कुछो नहि। कहलकै कि साँच कहिया झेल अयतौ, अयलौ ने सीधा गोली मारि देलकै कंठे मे पीयूष सोगर के। नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित मथुरापुर में एक आम के पेड़ पर ठनका गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान मथुरापुर निवासी चमालाल मंडल के पुत्र मनोहर कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कई बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे और अचानक आई आंधी बारिश में पेड़ के ऊपर ठनका गिर गया, जिसकी चपेट में मनोहर आ गया। अगर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनंद फाना में मनोहर को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4,00,000 मुआवजा राशि दी जाएगी। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में 2 दर्जन शरारती तत्वों ने जमकर उपद्रव मचाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की और ऑटो पार्ट्स दुकानदार का मोबाइल भी लेकर फरार हो गए। जबकि इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से कॉम्प्लेक्स में उपद्रवियों ने लहसुनिया बम भी छोड़ दिया। घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र से महज 50 गज की दूरी पर घटी, जिसकी सूचना मिलते ही तिलकामांझी थानाध्यक्ष फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस को देखते ही सभी उपद्रवी वहां से भाग खड़े हुए। इधर पीड़ित युवक अभिषेक सिंह उर्फ सिंघम को लेकर पुलिस थाना पहुंची, लेकिन थाने में पीड़ित युवक ने पहले तो केस करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। हालांकि उधर ऑटो पार्ट्स दुकानदार मनीष कुमार ने उनके दुकान में हुई तोड़फोड़ और मोबाइल लूट की घटना को लेकर आवेदन दिया। घायल युवक सबौर स्थित सरधो गांव का रहने वाला है। वहीं घायल अभिषेक सिंह का कहना है कि उसके ममेरे भाई शुभम के साथ पिछले दिनों सबौर के ही कुछ लड़कों से विवाद हुआ था और इसी को लेकर बदमाश उसके भाई के साथ मारपीट करने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। इसी बात को लेकर कॉम्प्लेक्स के पहले तर पर स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान में घुसकर बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। दवाइयां अब हर परिवार का अहम हिस्सा बन गई है। अधिकतर परिवारों में एक व्यक्ति तो रोजाना दवाइयों का सेवन करता ही है। वर्तमान समय में अधिकांश चिकित्सक ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, जो काफी महंगी होती है, लेकिन दवाइयों के इस व्यापक बाजार में अब चर्चा जेनरिक दवाइयों की होने लगी है, क्योंकि यह दवा भी ब्रांडेड दवा की तरह काम करती है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी चुनौती बनी थी। महंगी दवाओं की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में देश के युवा उद्यमी अर्जुन देशपांडे ने जेनरिक आधार मेडिकल स्टोर की परिकल्पना को साकार करने की पहल की। यह देश का पहला ऐसा स्टोर है जहां सरकारी दर से भी कम कीमत पर सभी जरूरी दवाएं मिलती है। इसी कड़ी में सोमवार की शाम भागलपुर भिखनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित गोल टोला के समीप जिले के पहले जेनरिक आधार मेडिकल स्टोर का शुभारंभ कंपनी के सीईओ अर्जुन देशपांडे ने ऑनलाइन माध्यम से किया, जबकि मेडिकल का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर अंजुम परवेज, डॉक्टर कलाम मलिक, डॉक्टर दुर्रानी, डॉक्टर अजन, प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल, समाजसेवी एनुर हुदा, मोहम्मद नदीम, प्रोप्राइटर ताहा हफीज जानी, शफकत उल्लाह अंसारी और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं संचालक ने बताया कि जेनरिक दवाओं को लेकर लोग अब जागरूक होने लगे हैं। खास बात यह है कि इसकी कम कीमत आम लोगों को काफी राहत देती है। जानकारों ने बताया कि जिस तरह से राज्य के अस्पतालों में जेनरिक दवा की दुकान होती है, ठीक उसी तर्ज पर जेनरिक आधार भी कार्य कर रही है। डॉक्टर अंजुम की माने तो लोगों में यह धारणा है कि जेनरिक दवाएं असरदार नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बता दें कि जेनरिक आधार देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा की ओर से समर्थित एक फार्मा उद्योग है, जो दवाओं पर 80% 90% तक की छूट ग्राहकों को प्रदान करता है। ऐसे जीवन रक्षक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों में लोगों को अतिरिक्त धन खर्च कम हो जाता है। वहीं ताहा हाफिज ने बताया कि जेनरिक आधार भारतीय फार्मा कंपनी है, जो हर महीने सभी श्रेणियों में मेडिसिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की विस्तृत
श्रृंखला लॉन्च कर रही है जिसमें लगभग 1000 प्लस उत्पाद शामिल है। इस अवसर पर डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, मौलाना नसीम अहमद अशरफी, राफिया अतहर, प्रतिमा तिवारी, मोनिका घोष, मधु कुमारी समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। तो एजेंडे का आधार खोलने के लिए हम अपने पूरे मोहल्ले के लोगों को, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो भी है, उनको सबको बधाई देंगे, क्योंकि उन लोगों का बहुत इंकरेजमेंट रहा कि एजेंडे का आधार आपको लाना है। एजेंडे का आधार बेसिकली ये रतन टाटा बैंक कंपनी है मुंबई की, और इसके सीईओ जो है अर्जुन देश पांडे है, जिनको मेडिसिन का वंडर बॉय भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने इस फील्ड में बहुत ही तेजी से बहुत अच्छे से काम किया है। जेनरिक आधार आज के समाज में एक ज़रूरियात है, क्योंकि मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से लोग मारे जाते हैं। अभी क्या है कि हम लोग जेनरिक आधार में, ठीक है, सारे किस्म की जितनी भी तरह की दवाई, ऑलमोस्ट 700 प्लस मेडिसिन का जो है इसमें ब्रांड्स है जो हम लोग इसमें रखेंगे, और इसका जो कॉस्टिंग होता है वो अप टू 80% जो है हम उसमें छूट देते हैं। मतलब डिफरेंट मेडिसिन पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का छूट रहता है। ठीक है, तो ये गरीब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया के बीपुर प्रखंड अंतर्गत भवनगामा पंचायत पठान टोला 14 नंबर सड़क के किनारे वार्ड 8 में अचानक आग लग गई, जिसमें 5 घर बुरी तरह चपेट में आ गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ रोहित कुमार, थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह और पुलिस अवर निरीक्षक विट्टू कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां दमकल की मदद से आग को बुझाया जा सका। इधर परिजनों को कहना है कि घरों में भूसा रहने के कारण आग और भी अधिक प्रचंड हो गया, जबकि दमकल एवं किसानों के बोरिंग की मदद से आग काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक मोथरी यादव, बोतल यादव, श्री यादव, रामदेव यादव, पतलू यादव, स्वरूप यादव और रामजी यादव का घर समेत 5 बकरिया के साथ घर में रखा सारा सामान और अनाज के अलावा नगद रुपया भी जलकर राख हो गया। हालांकि आगजनी का कारण घर में गर्म चूल्हे से निकली चिंगारी को बताया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों के अलावा कई प्रखंडों को नवगछिया बाजार से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर दिन में नमामि गंगे योजना के तहत जेसीबी से मिट्टी कटाई का कार्य किए जाने के कारण मुख्य सड़क पर भीषण जाम लग गई, जिसके कारण बाजार में खरीदारी कर दूर दराज से आए लोगों को घर जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसको लेकर जाम में फंसे लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं इसके बाद मिट्टी कटाई का काम बंद किया गया, जबकि जाम में फंसे लोग पुलिस प्रशासन को कोसते दिखे। लोगों का कहना था कि मकंदपुर चौक से नवगछिया आदर्श थाना होकर बाजार जाने वाली 8 फीट चौड़ी सड़क में पहले से ही जाम लगा रहता है और ऊपर से दिन में सड़क पर जेसीबी लेकर गंगे योजना वाले मिट्टी कटाई का काम करने लगे, जिससे भीषण जाम लग गई। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी बालिकाओं के उत्थान में अग्रणी रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एनटीपीसी कहलगांव ने 23 मई को आसपास के क्षेत्र की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान प्रारंभ किया है। 4 सप्ताह तक चलने वाली इस आवासीय कार्यशाला में परियोजना प्रभावित विभिन्न प्राथमिक विद्यालय के 10 से 12 आयु वर्ग की 120 बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें इस अभियान के द्वारा हर संभव तरीके से शिक्षित और सशक्त बनाया जा सके। वहीं एनटीपीसी कहलगांव के आवासीय परिसर स्थित अंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में एनटीपीसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय के कार्यकारी निदेशक राकेश प्रसाद एवं सुभा प्रसाद ने कहलगांव एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक अरिंदम सिन्हा एवं श्रेष्ठ समाज की अध्यक्षता रूपाली सिन्हा के साथ सभी विभागाध्यक्ष, एनटीपीसी यूनियन एवं एसोसिएशन के कर्मी और बड़ी संख्या में बालिका सशक्तिकरण अभियान में चयनित बच्चियों के साथ उनके अभिभावकों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर 28 दिवसीय
स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यशाला बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया। कार्यशाला में योग, ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य एवं संगीत, खेलकूद, आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो एवं अकादमिक अध्यापन में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण कुशल शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहलगांव NTPC के मुख्य महाप्रबंधक अरिंदम सिन्हा ने कहा कि बालिका सशक्तिकरण अभियान 23 मई से शुरू होकर 19 जून तक चलेगा। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि यह कार्यशाला NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का एक स्वप्न था, जिसके माध्यम से हमारी कंपनी बालिका सशक्तिकरण मिशन की दिशा में ग्रामीण बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के, उनके सपनों को एक नया आयाम देने का प्रयास करेगी। अरिंदम सिन्हा ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बालिकाओं में आशा, आत्मविश्वास जगाकर उनकी कुछ कर गुजरने की ललक को एक दिशा दी जाए और इसमें रचनात्मक भूमिका निभाकर भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में योगदान दिया जा सके। मौके पर प्रतिभागी बच्चियों के अलावा उनके अभिभावक, परियोजना के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और सृष्टि समाज महिला संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो इसी के तहत 2019 में ये इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें अगल बगल के ग्रामीण स्कूलों से बच्चों को ग्रीष्म काल में एक महीने के लिए हम अपने पूरे खर्चे पे अपने देख रेख में उनको वेरियस लाइफ स्किल्स एज वेल एज एकेडमिक इनपुट्स देते हैं, विच जो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है। इसके बाद उसमें 10 बच्चों को का चुनाव करके उनको अपने खर्चे पे अपने स्कूल में पढ़ाते भी हैं। धीरे धीरे एज टाइम प्रोग्रेसेस वी विल सी व्हाट मोर वी कैन डू अबाउट इम्प्रूविंग दिस प्रोग्राम। मधेपुरा के नगर पंचायत मुरलीगंज में एक युवक के द्वारा पिछले 2 वर्षों से एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़िता के पिता ने थाने में केस दर्ज कराया है। वह इस मामले में बीते रविवार को पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़िता के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया किया और एक एक कान के पैर हाथ का गला का बात छीन के लेके चला गया दबंगों की मदद की। कहां बच्ची सुरक्षित होगा? इस घटना के विषय में सर क्या भैया, ये घटना एक कोई एक नई घटना है क्या? मुरलीगंज तो समझिए कि मिनी कलकत्ता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर तो अड्डा है, शाम में जो मोटरसाइकिल का ये अड्डा लगता है, आपको क्या लगता है? पहले भी जो बच्ची का हुआ, इसके पहले भी घटना घटी, बराबर समाज सबसे बड़ा दोषी है, इसको आप समझ लीजिए। और उसमें मुरलीगंज के समाज की भूमिका इतनी गंदी है, जो लोग ऐसे चीजों पर पर्दा डालते हैं वो अपनी बहन बेटी को क्या परोस देंगे? नाथनगर पीपरपाती काली स्थान धर्मशाला में पेंशनर समाज के लिए सभा सह सम्मान समारोह का आयोजन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभा में आए सभी सम्मानित पेंशनर समाज के लोगों को विजय यादव द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पेंशनर समाज के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि पेंशनर समाज के लोगों की एकमात्र इच्छा है कि उनके लिए एक पेंशनर भवन का निर्माण हो, जिसके लिए वे लोग जमीन भी ढूंढ रहे हैं। शहर में नगर निगम के पास भी कई स्थानों पर जमीन खाली है। हम सबों का आशीर्वाद विजय यादव जी के साथ है। अगर वे नगर निगम में किसी पद पर निर्वाचित होकर आते हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस दिशा में भी कार्य करें और पेंशनर समाज के लिए एक भवन का निर्माण करवाए। वही समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि सभा में उपस्थित सभी गार्जियन स्वरूप अतिथियों का मार्गदर्शन मिला और एक स्वरूप में पेंशनर समाज के लोगों ने अपना समर्थन देकर मुझे और मजबूत बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशनर समाज के भवन के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। सम्मान समारोह में पेंशनर समाज के अध्यक्ष कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष गणेश लाल, कार्यकारी सचिव सुभाष चंद्र सिंह, नागेंद्र नाथ ठाकुर, मेजर आर के लाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं उमेश साथ सचिव पेंशन समाज, आज की बैठक विजय समाज सेवी विजय यादव के अनुरोध पर आज की बैठक पीपरपाती काली स्थान धर्मशाला में हुई है और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि जाकर के आप मेयर और डिप्टी मेयर में खड़े हो, पेंशन समाज की ओर से जो आपको सहयोग मिलेगा वो सहयोग दिया जाएगा। और उनसे अनुरोध किया गया कि पेंशन समाज नाथनगर को अपना भवन नहीं है, अपना जमीन नहीं है, जब आप मेयर डिप्टी मेयर हो जाएं तो हम लोगों के लिए एक जमीन की व्यवस्था करें। आज का कार्यक्रम हमारे नाथनगर पेंशनर समाज की एक बैठक रखा गया था और बैठक में
एक दूसरे से परिचित होने का, एक दूसरे से रूबरू होने का और सभी लोगों का मतलब आशीर्वाद मिला मुझे। और आने वाला आगामी नगर निगम चुनाव में सारे पेंशनर समाज का मुझे आशीर्वाद मिले और इसके लिए एक बैठक रखा गया था। बैठक में सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और इसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सारे पेंशनर समाज का सबको धन्यवाद। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। मामूली विवाद में हुई गोलीबारी में एक की हालत गंभीर, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। ठनका की चपेट में आने से मासूम की हुई मौत, आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे बच्चे। शरारती तत्वों ने जेल रोड में मचाया उपद्रव, पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। और भागलपुर में खुला चेंडी का धार का पहला मेडिकल स्टोर, मरीजों को मिलेगी राहत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।